21 जून को पूरा देश योग दिवस के रूप में मनाता है, जिसके चलते झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने स्टेडियम में योग दिवस पर योग कर झांसी के लोगों को निरोग रहने की अपील की है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री की पहल पर पूरा देश 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाता है और योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, जिसे आज पूरे देश मना रहा है। झांसीवासी, पूरे प्रदेशवासी और आप लोगों के माध्यम से देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयास से आज दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कह चुका हूँ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को उन्होंने प्रस्ताव लाए लोगों के साथ दुनिया के सामने, और 11 दिसंबर को 2014 को प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसी दिन ऐलान हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और आयुष विभाग के सभी आयोजक साथियों का, जिला प्रशासन के सभी जो कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में ये योगा का जो अच्छा कार्यक्रम जो सम्पन्न हुआ। और मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं आम जनमानस को अपील करना चाहता हूं, अगर जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, लोगों की सोच है, अगर इस तरीके से आधा घंटा अपने सेहत और स्वास्थ्य के लिए हम समय दें योगा के रूप में, तो निश्चित रूप से हम तो स्वस्थ होंगे, तो समाज स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा, तभी हम विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, योग जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सरल उपाय है और ये हमारे देश की बहुत पुरातन वस्तु है जिसको हम लोग भूल रहे हैं, और भूल इसलिए रहे हैं कि हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर, हमारी नई पीढ़ी बढ़ रही है और वो इसको भूलती जा रही है। लेकिन हमारा फिर भी सभी नवयुवकों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है, ये कहें तो अगर जरूरत हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा निवेदन है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इस योग को समझें और योग करने का प्रयास करें। शरीर स्वस्थ रहता है तभी सब कुछ अच्छा लगता है, और शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो आप चाहे जितनी दौलत ले लो, चाहे जितनी शोहरत पा लो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।